Hey everyone, this is Anurag here and welcome back to my channel Rag Vlogs. I hope you absolutely fine and well. और आज का टॉपिक है, आप अगर चाहते हो कि मॉडलिंग में करियर बनाना और आप चाहते हो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना, तो ऐसे 10 सवाल जो आपको अपने पहले सबसे पहले खुद से पूछने हैं और तब जाके आप इंडस्ट्री में आइए। इसका अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिलते हैं तब जाके आप इंडस्ट्री में आइए मॉडलिंग। तो इंटरव्यू प्ले करते हैं, उसका चलो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, क्या मेरी हाइट परफेक्ट है मॉडलिंग में आने के लिए? तो लड़कियों की हाइट मैक्सिमम होती है, मतलब मिनिमम बात करते हैं, मैक्सिमम तो कितनी भी आ सकती है, मिनिमम बात करते हैं, मिनिमम होती है 5'6" और लड़कों की होती है 5'9" से ऊपर की। अगर आप किससे नीचे की हाइट है तो थोड़ा बहुत चांसेस डगमगा सकता है आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव होने के लिए, या फिर अच्छा काम नहीं मिल सकता है, जहाँ जितना पैसा मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल सकता है। नेगेटिव मत लेना, बट एक पॉइंट मायने रखता है रैम मॉडलिंग के लिए, प्रिंट मॉडलिंग के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी हाइट मायने रखती है। सो पॉइंट नंबर 2 इज़, क्या मैं फोटोजेनिक हूँ, या मेरा फेस फोटोजेनिक है? तो सेकंड पॉइंट भी ध्यान रखना कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आपका एक फोटोजेनिक फेस होना चाहिए कि हाँ लोग को अट्रैक्टिव लगे, नहीं तो चेहरे पर ऐसा लग रहा कि उदास ही है भैया ये, तो इसके चेहरे पर देख के मनुष्यत लगती, तो ऐसा शक्ल नहीं होनी चाहिए। बेसिकली एक अट्रैक्टिव फेस होना चाहिए, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 2 वो था। पॉइंट नंबर थ्री इज़, क्या मेरी पर्सनालिटी परफेक्ट है, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा वेल है, अच्छी खासी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक ऐप होनी चाहिए। हाँ, अभी सिक्स पैक ऐप का बहुत ज़्यादा सबसे पहले फोकस किया था इंडिया कॉम्पिटिशन में कि आपके अच्छी खासी वेल बॉडी हो, सिक्स पैक हो, अच्छी खासी पर्सनालिटी हो, बट हाँ मैं एक लीन फिजिक मायने रखता हूँ क्या, एक लीन फिजिक मेरी है क्या, तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। बॉडी पे फैट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का फैट होता है, चर्बी होती है। लॉकडाउन हो चुका है, फिटनेस वीडियो जल्दी आने वाला हूँ मैं अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी फिटनेस वीडियो आने वाला है। आई नो कि बॉडी पे फैट जम रहा है, घर पे बैठे, जिम बंद है, सब कुछ बंद है, तो जल्दी ही फिटनेस वीडियो आने वाला है। पॉइंट नंबर 4 कि क्या मेरा लुक मॉडलिंग के लिए सही है? तो पॉइंट नंबर एक चीज़ मायने रखता है, लुक इन द सेंस कि ओवरऑल लुक क्या बोलते हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चेहरा ठीक लग रहा है, बाकी का सब बैंड है, फैट चल रहा है, डबल चिन चल रही है, मेरा लुक परफेक्ट है क्या मॉडलिंग के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। तो पॉइंट नंबर पाँच पर हम बात करते हैं, क्या मैं सच में मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हूँ? अब ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि क्या होता है, कुछ दिन हम लोग 2-3 शो देख लेते हैं, 2-4 पिक्चर देख लेते हैं मॉडलिंग के रिलेटेड, या किसी को देख के हम कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि क्या मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ मॉडलिंग में, नहीं तो बस 2-4 मेरी फ्रेंड कर रही है इसलिए मेरे को भी करना है। नहीं, आप खुद इंटरेस्टेड हो क्या मॉडलिंग में काम करने के लिए? तो ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले खुद से पूछो इसका क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 6, क्या मैं मॉडलिंग को अपने करियर के तौर पर लूँ या नहीं, या सिर्फ मैं इसको आके बस कुछ टाइम तक मुझे उसमें रहना है, 1-2-3-4 साल तक, उसके बाद मुझे छोड़ना है, इसको करियर नहीं लेना है, बस कुछ दिन मैं यूज़ करूँ, मतलब आपको मतलब इस फील्ड में आऊँगी, मैं देखूँगी क्या होता है, मेरा आगे पीछे होता है, नहीं हुआ ठीक है मैं छोड़ के चल जाऊँगी, करियर नहीं बनाना है, ठीक है? तो ये सबसे पहले खुद को पूछ लीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर सात पर बात करते हैं, मेरे को मॉडलिंग में क्या करना है? मॉडलिंग में बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है, उसमें से आप सबसे पहले खुद को पूछ लीजिए मुझे किस टाइप का मॉडलिंग करना है, जैसे कि मुझे रैम मॉडलिंग करना है, मुझे एडवर्टाइजिंग मॉडलिंग करना है, मुझे प्रिंट मॉडलिंग करना है, मुझे किस तरीके की मॉडलिंग करना है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मुझे क्या करना है मॉडलिंग में जाके। पॉइंट नंबर एट पे हम लोग बात करते हैं कि क्या मेरा मॉडलिंग में क्या गोल है, क्या मुझे सिर्फ शूट करना है, मुझे शो करना है, रैम करना है, या मुझे किसी बड़े एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ टाइप करना है, या फिर मुझे मॉडलिंग करके एक्टिंग में जाना है। तो सर गोल डिसाइड कर लीजिए अपना कि मुझे क्या करना है मॉडलिंग में आगे चल के। जैसे मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट था कि मेरे को नेशनल कंपटीशन कंप्लीट करना है, विनर बनना था, उसके बाद मुझे एकेडमी खोलनी थी, जो मैंने किया है 50 शो करने के बाद मैंने खुद के एकेडमी ओपन किया, आज 73 शो मेरे हो चुके हैं एज अ कोरियोग्राफर। तो ये सब चीज़ें मायने होती है, हर एक के अपने अपने गोल सेट होते हैं, तो मेरा भी गोल सेट था, तो वैसे ही आप अपना गोल सेट कर लीजिए,
आपको क्या करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है, क्या कहाँ से मैं मॉडलिंग सीख सकती हूँ, मैं मॉडलिंग मुझे करना है बस, मुझे डायरेक्ट एजेंसी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, मेरी खुद की भी एजेंसी है, बट मैं सबसे पहले सलाह देता हूँ कि आप सबसे पहले एकेडमी ढूंढिए अपने शहर में, आसपास के शहर में जहाँ पे आप सीख सकते हो, वहाँ से अच्छे से एकेडमी ढूंढिए जहाँ से मैं मॉडलिंग का प्रॉपर नॉलेज ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, नहीं तो बस मैं एजेंसी जाऊँगा मेरे को काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके पास एक बेसिक सा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए मॉडलिंग से रिलेटेड, एक ग्रूमिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, बस हाँ मेरे को सर मैं अच्छा दिखता हूँ मेरे को मॉडलिंग करना है, और मुझे कितने शो मिलेंगे कितना पैसा मिलेगा। अगर पैसा कमाना है मॉडलिंग में तो पहले 3 साल तक सोचिए मत पैसे के बारे में, सबसे पहले कॉन्टैक्ट जमा कीजिए कि मेरे पास अच्छे लोग के कॉन्टैक्ट आ जाए जो मुझे काम दे आगे चल के। खुद को डेवलप कीजिए कि हाँ मेरे में क्या कमी लग रही है, मुझे किस चीज़ के बारे में खुद को चेंज करना है, ये सबसे पहले ध्यान रखिए, बस नहीं आगे हाँ मेरे को पैसा कमाना है मॉडलिंग से, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम लगता है पैसा कमाने में, आई नो मिलेगा बट थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 10, तो पॉइंट नंबर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं मॉडलिंग में कितना पैसा लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। अब क्यों लगाना है, हमें तो मॉडलिंग से पैसा कमाना है, आई नो दैट कि आप सबको मॉडलिंग से पैसा कमाना है, बट मॉडलिंग से हमको पहले खुद को लगाना पड़ता है। अब कहाँ कहाँ लगाना पड़ता है, सबसे पहले खुद के ड्रेसअप, ठीक है, अच्छे से डिज़ाइनर्स के ड्रेसअप, अच्छे से कंपनी के ड्रेसअप जिससे अच्छा सा इम्प्रेशन पड़े लोगों पे। जैसे कि हमको रैम मॉडलिंग करना है तो अच्छा सा ट्रेडिशनल ड्रेसेस, दो तीन वेस्टर्न ड्रेसेस, इंडो वेस्टर्न, ऐसे ड्रेस खुद के पास जमा चाहिए, जिसके लिए हमको खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद होता है खुद की ग्रूमिंग के ऊपर कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ मुझ में कमी लगती है, ये चीज़ मेरे को करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, जिम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अपनी हेयर स्टाइल, इतना लुक, बहुत सारी चीज़ें टर्न बाय टर्न चेंज करना पड़ता है खुद में, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, बट मैं अपने मॉडल को सबसे पहले सलाह देता हूँ कि अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हो तो आप कितना पैसा मॉडलिंग पे लगा सकते हो कि हाँ ये चीज़ें मुझे डेवलप करने में खुद को लगेगा, मुझे क्रॉस फिटनेस करना है, मुझे जिम करना है, इसमें पैसा जाता है, मुझे प्रोटीन लाना है तो उसमें पैसा जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है मॉडलिंग में। ऐसा नहीं होता कि बस मेरा लुक अच्छा दिखता है मैं जाऊँगा मॉडलिंग में मैं पैसा कमाने लग जाऊँगा, बहुत रेयर केस होता है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले खुद इन्वेस्ट करने का देखो, यहाँ पे आपका अगर लुक ही अच्छा नहीं रहेगा, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, आप लोगों पे इंप्रेशन नहीं जमेगा, तो वो लोग क्यों काम देंगे आपको। सिंपल सा फैक्ट है, जैसा दिखोगे वैसा दिखोगे, ये इंडस्ट्री का मेन मोटो है, ठीक है। आप जितने अच्छे दिखोगे, जितना गुड पर्सनैलिटी होंगे आपकी, लोग उतने ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतना ही आपको काम मिलेगा, आपकी प्रोफाइल उतनी ही अच्छी दिखेंगी। सो ये सब चीज़ें थी 10 टॉपिक जिस पे आपको खुद से सवाल करने हैं कि ये चीज़ें मेरे पास है क्या। अगर ये सब चीज़ें मेरे पे पॉजिटिव है तभी आप मॉडलिंग में आई है, वरना बहुत सारे लोग आते हैं हम सर यहाँ पे किए, हमने यहाँ पे किए, कुछ नहीं होता है, 3-4 साल 5 साल करते हैं उसका छोड़ देते, गाली देते मॉडलिंग को कि हमारा करियर ख़राब कर दिया, क्योंकि आपके पास फोकस नहीं होता, आप कहीं से सीखे नहीं होते, आप बस आ जाते हो उठ के कि मुझे ये शो किया मैंने, अब मैं मॉडलिंग में आ गया हूँ, नहीं होता है ऐसा। सो ये था मेरा वीडियो आज का, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसे वीडियो मॉडलिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग वीडियो, जस्ट आने वाला लॉकडाउन जैसे ख़त्म होता है ट्रैवलिंग चालू करने वाला हूँ मैं, तो ऐसे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। और मेरा जो पर्सनल लाइफ होता है, जिसका मेरा मेन चैनल जिसके लिए है, तो ये चीज़ आते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। I'm not afraid to die.